गैज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या विटामिन डी टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बूस्ट करने में हेल्प करती है या नहीं विटामिन डी वन ऑफ द मोस्ट इसेंशियल विटामिन है जिसकी ह्यूमंस को जरूरत होती है सर्वाइवल के लिए विटामिन डी हेल्प कर सकती है बोन्स को हेल्दी रखने में ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में हेल्प करती है इंप्रूव करती है फर्टिलिटी को और हेल्प कर सकती है ब्रेन की डेवलपमेंट में और टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को रेज करने में विटामिन डी एक्चुअली एक विटामिन नहीं है एट ऑल ये बिलोंग करती है टू तो ए ग्रुप ऑफ सेकोस्टीरोइड्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं जिंक मैग्नीशियम कैल्शियम और आयरन की एब्जॉर््पन में इन द इंटेस्टाइन ये कुछ फूड्स जैसे कि फैटी फिश लाइक सेलमन एग्स और मशरूम्स में भी पाई जाती है हमारी बॉडी खुद वाइटामिन डी को प्रोड्यूस कर सकती है इट्सल्फ जब हमारी स्किन डायरेक्टली एक्सपोज होती है टू द सन बींग ए हेल्दी बोन वाइटामिन बहुत से लोग इसे रेफर करते हैं मैनी पॉजिटिव फंक्शंस के लिए इन द ह्यूमन बॉडी वन ऑफ दोज इज कि हमारे एंडोस्ट्रीन सिस्टम और टेस्टोसॉन लेवल्स को बैलेंस करने में ये हेल्प कर सकती है इन बोथ मैन एंड वुमेन एक हेल्दी लाइफ और हेल्दी डाइट डेफिनेटली आपके टेस्टोसोन लेवल्स को बूस्ट कर सकते हैं बट अगर आप सब चीज़ें सही कर रहे हैं और स्टिल सफर कर रहे हैं फ्रॉम लो टेस्टोसोरॉन देन आपको अपने वाइटामिन डी लेवल्स को चेक करना ज़रूरी है जो आपके नियर अबाउट 55 फाइव एन जी पर एम एल होने चाहिए सो so क्या वाइटामिन डी इंक्रीज कर सकती है टेस्टोसोन लेवल्स को चलिए जानते हैं अकॉर्डिंग टू सम स्टडीज़ कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि विटामिन डी थ्री की डोज को 4000 से 5000 थाउजेंड आई यू ए डे कंज्यूम करने से नेचुरली आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि विटामिन डी थ्री एक इम्पॉटेंट पार्ट है इसकी प्रोडक्शन में डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन डिवीजन ऑफ एंड्रोसिनोलॉजी एंड न्यूक्लियर मेडिसिन एट द मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रैज ऑस्ट्रिया में एक स्टडी में पाया गया कि मैन विद नॉर्मल वाइटामिन डी लेवल्स के सिग्निफिकेंटली हायर टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं और लोअर एस एच पी जी होता है सेम यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जब हेल्दी मैन ने कंज्यूम किया थ्री थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी टू आई यू ऑफ वायटामिन डी डेली फॉर ए ईयर और उनके टेस्टोसिरोन लेवल्स इंक्रीज हुए बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट और वहीं प्लेसिबो ग्रुप में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं देखने में मिली इन टेस्टोसर मेजर्स एक स्टडी ने एग्जामिन किया ऑलरेडी प्रूवन पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन वाइटामिन डी एंड टेस्टोसिरोन लेवल्स उसमें वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड सिक्सटी टू मेल सब्जेक्ट्स थे और रिजल्ट्स ने ये शो किया कि विटामिन डी के लीनियर पॉजिटिव एसोसिएशन है विद सीरम टोटल एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल्स मीनिंग कि विटामिन डी मोर देन लाइकली इंक्रीज कर सकती है टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बट ये उनको हेल्प नहीं, नहीं करेगी जिनके ऑलरेडी ऑप्टिमल रेंज ऑफ विटामिन डी लेवल्स हैं ये देखा गया है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल्स चेंज करते हैं ड्रास्टिकली विद द चेंज ऑफ सीजंस ये हार्मोन पीक पे होता है ड्यूरिंग समर और लोएस्ट में होता है ड्यूरिंग विंटर जो रिलेटेड है टू सन एक्सपोजर एंड क्रिएशन ऑफ विटामिन डी मैन जो डेफिशेंट होते हैं इन वाइटामिन डी उनके लाइकली इम्बेलेंस या लो लेवल्स हो सकते हैं कंपेयर टू डोज जो सफिशेंट डोज ऑफ वाइटामिन डी को कंज्यूम करते हैं कंज्यूमिंग वाइटामिन डी इन डोज ऑफ थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड आई पर डे ईयर लाइकली आपके टेस्टोसोनल लेवल्स को इनक्रीज कर सकती है बाई ट्वेंटी फाइव परसेंट मोर दैन डैट वाइटामिन डी कंज्यूम करना सफिशियंट नहीं है जिस वजह से आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेंगे रिगार्डिंग लेवल्स क्योंकि ऐसा करने से हार्मोन के लेवल्स जो हैं वो प्लेट्यू को हिट कर लेते हैं ज़्यादा डायरेक्ट एक्सपोजर टू सनलाइट या यूवी रेज हार्मफुल हो सकता है स्किन के लिए सो एक्जनल एक्सपोजर टू सनलाइट माइट बी ए गुड आइडिया है बिकॉज ये कंट्रीब्यूट करता है टू द क्रिएशन ऑफ वाइटमिन डी इन द बॉडी आप वाइटमिन डी से सप्लीमेंट भी कर सकते हैं जो एक गुड आइडिया है सो so, आप हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करके इसके बेनिफिट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं या वाइटामिन डी रिच फूड्स लाइक सेलमन या एग्स या मशरूम्स को कंज्यूम करके भी विटामिन डी के लेवल्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं सो इन कंक्लूजन विटामिन डी को कंज्यूम करना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को इंक्रीज कर सकता है अगर वो लोअर लेवल्स पे हैं ये टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बियॉन्ड द नेचुरल रेंज इंक्रीज नहीं करती है जितनी जेनेटिक लिमिट होगी उतना ही ये इंक्रीज कर पाएगी हाउएवर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स का कम या ज़्यादा होना हमारी कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि हम कैसे जीते हैं अगर हम अनहेल्दी फूड्स या अननेचुरल फूड्स को कंज्यूम करते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं दैन लाइकली हमारे टेस्ट लेवल्स ऑलरेडी लोअर हो सकते हैं दैन दे शुड रियली बी सो so, ये चीज भी मैटर कर सकती है दोस्तों इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज